हेलो एवरीवन, आ गई मैं ड्रामे के एक और नए पार्ट के साथ। तो चलते हैं ड्रामे की तरफ। एंड इतनी प्यारी लग रही थी कि जैसे आसमान से कोई परी जमीन पर आ गई हो। एंड रिकॉर्डिंग करो की पै ना हो, ये कहाँ लिखा है भाई। हर तरफ म्यूजिक स्टार्ट हो जाता है, हर तरफ म्यूजिक स्टार्ट हो जाता है। चलो जी, अब मेरे नेबर वालों की कमी थी, उन्होंने भी अपना फटपड़ा चला लिया है जनरेटर। ये रोना दो ना बच्चों, घर जाके कर लेना, जल्दी जल्दी से गुजर जाओ यहाँ से। प्रिंस खड़ा होता है कि अचानक से एक तीर प्रिंस के आगे लग जाता है कि प्रिंस खड़ा होता है अचानक से एक तीर अचानक से एक तीर प्रिंस के एक साइड से होकर निकल जाता है। पर जिंदा वापस नहीं जा पाओगे, चोंग प्रिंस से कहता है। तो ऐसा चोंग प्रिंस से कहता है। चलो जी, लड़ाई शुरू हो गई मोहल्ले में। चूंकि अकेला रह जाता है इसलिए वो शैंग को बचाने के लिए अकेला ही लड़ रहा था। बस कर जो की रोला पाया बोली जान दे। और प्रिंस को सपोर्ट करने वाले सिपाही भी यहां पर आ जाते हैं। एक तो कसम से पता नहीं साढ़े महल जज की होंगे, रोला ही रोला खत्म नहीं हो रहा। वह अपनी छतरी निकालता है, इससे अपने आप को महफूज रखने की कोशिश करता है। आजो चलिए चलिए, मेला लगा हुआ है यहाँ पे, आजो। जिस पर नोवा स्टोन को बहुत गुस्सा आता है। ये जी सिंह को कहता है कि उठो मेरी। ये जीत सिंह को बड़ी आवाज़ें देता है कि उठो, अभी तो हमारी लव स्टोरी स्टार्ट हुई है, तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकती। शैंग को कहता है कि अब तुम्हें जोंग को मरता हुआ देखना ही पड़ेगा। शैंग जैसे ही अपनी गर्दन पर चाकू को मारने लगती है, प्रिंस परेशान हो जाता है। इधर जोंग भी उठने की बहुत कोशिश करता है मगर इससे उठा नहीं जाता। अभी चाची ने चारा काटने वाली मशीन स्टार्ट कर दी है, पा 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 पा। शैंग को लेकर यहाँ से भाग जाता है। शैंग दिल ही दिल में खुश थी कि वो चोंग के साथ भाग रही है। चोंग को बचाने के लिए शैंग इसके सामने आ जाती है। ऐसे तीर शैंग को लग जाता है। चोंग शैंग को आवाज देता है, शैंग नीचे गिर जाती है और कहती है, मैं तुम्हारी फैमिली की मौत की जिम्मेदार हूं, इसलिए मैं अपना कर्ज उतार रही हूं। बूम बूम ग्र ग्र ग्र। इतने में यहाँ पर स्नोफॉल होने लगती है। शैंग कहती है, ये मुझे बहुत पसंद है। इतने में इसकी डेथ हो जाती है। ओए रब्बा, आज लगता है कि ये हेवन की दुनिया है। चोंग अपना हाथ आगे बढ़ाता है। तो इसके हाथ पर आंसू गिरने लगते हैं। बख्श दो हमको, हम सताए हुए हैं। जिससे चोंग को फील होता है कि शैंग जिससे मुझे खुद जवाइयां आने लग गई है। थर्ड मास्टर कहता है कि अब मैं ज्यादा एज का हो गया हूं, इसलिए मैं घूम फिर नहीं सकता। शैंग कहती है, पर चोंग की तो डेथ हो गई है। जिस पर कहता है
हाँ उसने बहुत से मकाम पे लड़ाइयाँ छड़ाइयाँ लड़ी। चोंग और शेंग खड़े होते हैं। चोंग शेंग को देख रहा था। एक देर टिक 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 नहीं खत्म होती, टिक 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 चिकिच। वो इसके पास से गुजर जाता है, शेंग की तरफ मुड़कर भी नहीं देखता। इन्नू बड़ा घमंड थी ना कि मैनू वेखूगा। एडी तू शहजादी,